this is your host Rishit Pawar. I hope you all are fit and fine. कैसे हो आप सब लोग? लो भाई आ गया आ गया. हाँ हाँ ले 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 ये तो ये रहा तू भाई. आप लोग ने देख लो कैमरा ऑन होते तो इतनी एनर्जी आ जाती है ना इसके अंदर भाई. इतनी एनर्जी वैसे थोर में तो एनर्जी है ही है पूरी. देख ओए देख थोरो क्या चाहते है तू? क्या चाहते है? चाहता है कैमरे को ये बता दे क्या चाहते है बता. सॉक्स निकाल दी एक पैर में सॉक्स फटी हुई दूसरे में क्या मेरी सॉक्स सॉक्स निकाल दी मेरी. गाइज एक्चुअली क्या हुआ है ओए सॉक्स मेरी है. पापा जी आज बड़ी दिक्कत हो रही है मुझे कंटेंट ही नहीं मिल रहा क्या बनाऊं मैं. मैंने फिर सोचा यार व्लॉग चलो शूट करना शुरू कर देता हूँ पर मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा. पापा कंटेंट ढूंढे मम्मी को गांव में चलते आज कंटेंट ढूंढते. सो आप सब लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन है. व्लॉग डाला है वो है 11 फरवरी 2022. आज के दिन मैं 8 बजे शाम को लाइव आऊंगा क्योंकि मैंने कहा था जब आप लोग 130,000 सब्सक्राइबर्स पूरे करोगे तो मैं लाइव आके आप लोगों के एक सरप्राइज रिवील करूंगा. सो आज मैं आ रहा हूं लाइव 8 बजे. जिन जिन ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है CH_Rachit_Panghal पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है आप फॉलो कर लो. आज मैं 8 बजे एग्जैक्ट आऊंगा लाइव और आप लोगों को सरप्राइज दूंगा बहुत तगड़ वाला. सो व्लॉग कंटिन्यू रखते हैं चलो. ये क्या है ये प्राणी पापा? हेलो आज तुझे बताना पड़ेगा. बता हेलो बता छोटे से बांदर मेरा थर के ऊपर चढ़ा जा. पापा मिल गया भाइयों मिल गया टॉपिक मिल गया. आज के व्लॉग का टॉपिक मिल गया है. पापा क्या लेके आया देख लो. ओ, आए मजे. थोर तू बाप बन चुका है थोरू. देखो कैसे देख रहे थोर. थोर तू बाप बन चुका है. ये हरकतें तू क्या छुपी बैठी है बेटू? अच्छा मैं बेटा आज अपने व्लॉग का कंटेंट और टाइटल मिल गया मुझे. हमारे व्लॉग का टाइटल है पहले बात तो मम्मी भी हमारी प्लेस पे नहीं गई वहां पे अब तक देखा नहीं है. दूसरी बात थोर को लेके चलते हैं हमारे फार्म हाउस पे. कैसा लगा पापा? गिराया थोर तूने मेरे को. भाग जा कैसे? नहीं पागल थोर पापा मारेंगे. सो चलो चलते हैं दोस्तों. आज का हमारा प्लान क्या है? मम्मी को आना है अभी मम्मी स्कूल गई है. सो अब इसके बाद क्या करेंगे मम्मी को पता नहीं है ना मम्मी ने अभी तक एनिमल हाउस देखा हुआ है. सो मम्मी को लेके चलते हैं और साथ में थोर को लेके चलते हैं. सारा नहीं दिखाएंगे अभी आपको सिर्फ वो ग्राउंड सा दिखाएंगे जहाँ पे घास लगनी है. सो उस ग्राउंड में घुमाएंगे और सारी चीजें दिखाएंगे. चले 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 खुश हो रहा खुश. सो दोस्तों मानू का भी अभी फोन आया था वो पूछती कि भाई एक गिलहरी थी उसकी आंख पे चोट लगी हुई है और खून आ रहा था उस गिलहरी की आंख पे से तो पापा हंसने लग गए. तो कहते क्या करूं मैं कहा भाई तू जा चंडीगढ़ में बाई सेक्टर है बाई सेक्टर में एक एनिमल हॉस्पिटल है वहां दिखाएगा तो वो वहां जा रही है. सो होप करते वो ठीक हो जाए और वो ठीक हो गए तो आपको व्लॉग दिखाऊंगा उसका भी. देखते हैं अगर वो व्लॉग शूट करेगी या नहीं करेगी. अभी तो हम जा रहे हैं मम्मी को. भाई ये देख सकते हो आप फोन पे फोन आ रहे हैं मम्मी के. मेरी माँ का नाम मधु है. सही है देखो हो रही मम्मी और अब सरप्राइज मिलने वाला है मम्मी को. देने ने देखो समझ गए कुछ ना कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है. नमस्ते मम्मी. नमस्ते आपकी बेटी आपको सरप्राइज देने आई है. पीछे हो जा थोरू. पीछे 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 हो जा. कैसा लगा सरप्राइज? सरप्राइज तो मस्त है. बता मुझे लेट क्यों आए हो? लेट और क्या? कितनी लेट है? कितनी देर हो गई घर बैठ के. आप ऐसा सरप्राइज बताओ ना मम्मी. सोचा नहीं मिलेगी मेरे को. अभी तो एक और तगड़ा सरप्राइज है. के दोगे मेरी जमी बेटी देख ले बैठ के. मेरी बेटी बेटी समझदार बहुत है ये थोरू. सो दोस्तों हम पहुंच गए और मैं ताला खोल रहा हूँ गाड़ी पीछे खड़ी है. मैं लोकेशन दिखा नहीं सकता आपको बाद में दिखाऊंगा कभी फिर समझाऊंगा आपको. ये लो भाई ताला तो खोल दिया था मैंने. एक बार अंदर से और खोल दो. कार अंदर ही करवा देंगे ना.
थोरो अंदर है देखो थोरो लो बंद कर देते इसे। सो मम्मी जी वेलकम आपका हमारे एनिमल हाउस में। थोरू ने तकड़ी जम मार दी भाई थोरू। ओ भाई पापा फुल मस्त है ना, खुल खुश हर जगह देख रहे। थोर तेरी जगह है ये सारी। मम्मी बाथरूम में जा रही है। थोरू आजा इधर आजा 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 आजा। वाह भाई वाह। ये अभी अंदर का आपको अभी कुछ नहीं दिखा रहे हम, ये पूरा होने के बाद दिखाएंगे। बस ये बता देता हूँ कि ये वाला जो साइड है ये हमारे केजी जिस वाली साइड होंगे और इस साइड स्टूडियो बनेगा बहुत बड़े वाला, है ना पापा जी। थोरू अभी तो बहुत सारी चीजें होनी है, यहाँ पे घास लगेगी, बहुत सारी चीजें होगी यहाँ, घास लगेगी और यहाँ अभी एक प्लेइंग एरिया बनेगा फॉर स्मॉल पपीज। थोरू फुल मजा आ रहा है थोर को तो भाई। लो भाई निशानी छोड़ दी, थोड़ने छोड़ दी निशानी छोड़ दी। मी है पानी पूरा खोलो, इसे खोलो पूरा खोलो। कैसा लगा थोरू? उबर उबर के नहीं आ रहे यहाँ पे? आ रहा है। वाह भाई वाह। कैसा लगा भाई, कैसा लगा? ओ ओ कैसा लगा मम्मी, जगह कैसी लगी? देख कितना घूम रहे हैं, खेल सकते हैं, भाग भाग के कितने डॉग्स घुमा लो जाए यहाँ पे। इमेजिन करो यहाँ पे अपनी कोनी भी है, थोर भी है, खुशी भी है। ले फिर निशानी कर दी यहाँ पे। ये मार खा रहा है। क्या खा गए? ये पत्थर खा गया। थोड़ा बताना क्या काम होगा पापा? काम तो यहाँ पे इस साइड में सारा कर लेंगे ना, इधर पार्क बनवा देंगे। ये वाला रीजन जो है ना वहाँ से यहाँ से लेके यहाँ, ये पूरा रीजन इधर पार्क बनेगा। और जो ये वाला एरिया है, ये वाला इधर से उधर तक जो ये जो बाउंड्री सी दिख रही है ना, यहाँ पे इतनी इतनी जाली लग जाएगी और फिर ये छोटे पपीज या छोटे डॉग ब्रीड की एरिया हो जाएगा खेलने का, प्ले एरिया। और ये वाला जो पार्क है ये सारे अपने थोर जैसे या थोर के यारों के लिए पार्क बन रहा है। पार्क में ये है कि ये खेल भी लेंगे थोड़ा सा आराम से, एंजॉय मतलब इनको अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे ये। और जो ये वाला रूम है ना ये स्टूडियो बनेगा, ऑफिस रहेगा और साथ में स्टूडियो रहेगा। और स्टूडियो में बहुत अच्छे वाले एक्वेरियम्स लगेंगे, है ना पापा जी। और बहुत सुंदर सुंदर फिशेज होंगी उसके अंदर, जो आगे चल के ब्रीड भी होगी। और आप लोगों को अगर डायरेक्ट लेनी है सो वो मेरी ब्रांड के अंडर ही मिलेगी आपको। और मैं ये 100% श्योर हूँ मैं कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी। ठीक है, ठीक लगा के? ठीक लगा? ठीक लगा, ठीक लगा। ओ भाई ये पीला पीला तक छोड़ दे। वो लुक देखो पापा इसका, ये देखो पूरा खेलेगा यहाँ पे, है ना पापा जी। सो भाई शाम का टाइम हो गया, घर आ गए हम। अरे ये हर जगह आने इसे, हर जगह आने इस बंदर को। ओ वो देखो पीछे से कौन आ गया। हेलो, ये इन दोनों के लिए थोर और कोनी के लिए अंडे हैं, ये छीलते हैं और फिर इन्हें खिलाते हैं। और कोनी के लिए तो फूड भी आ रहा है, मतलब रॉयल कैनाइन मंगाया उसके लिए स्टार्टर, सो वो कल आ जाएगा। सो शाम को उसको मिलेगा, सुबह चिकन मिलेगा। थोरी को तो सुबह मिलता है चिकन, हेलो को तो पूरा टाइम ही चिकन मिलता है। आई मीन इसका तो फीड ही वही है ना। नहीं मानू हेला का तो फिश मिलती है ना मम्मी? फिश खाती है क्यों ना? जो पाई उसको तो पुरके सुरके केकड़े केकड़े भाई, ऐसे ऑफेंड मत हो ना, इनका तो खाना ही है ना, तो इस वजह से हम बोल रहे हैं, कहीं ऑफेंड हो जाओ कि भाई वो नहीं, जो इनके जो नेचुरल डाइट है हम वो ही देना प्रेफर करते हैं भाई, सीधी सी बात। ग्रेवी जो इसकी वो उसके अंदर है। हेलो एग खाएगी बिट्टू? और भाई और अपना फार्म का ना काम जोरों शोरों से चल पड़ा है। मम्मी कितने दिनों में हो जाएगा कम्प्लीट? कौन ही खाते कुकुर सुकड़? मम्मी
कितने दिनों में फार्म का काम कंप्लीट हो जाएगा? कैमरे में देख के बोलो। देखो भाई, मुझे अगर फुर्ती से करवाओगे काम तो एक वीक में हो जाएगा, और नहीं तो एक महीना लगे तेरी मर्जी। और मैंने एक और अच्छी चीज कर दिया भाई, आप लोग देख के यूं कहोगे वाह रचित भाई तुम तो गजब हो, हैवी ड्राइवर हो। प्लान्स तो बहुत अच्छे हो गए, बातें भी हो गई है, बस उसको इम्प्लीमेंट करना रह रहा है। ठीक है, सो मैं चलो इनके छील लेता हूँ जल्दी जल्दी और फिर खाएंगे, और हमारे लिए बन रहे पुलाव। सो गाइस, कोनी ने अपना खाना तो खा लिया है, और कोनी को अब मैं थोड़ा छत पे घुमा रहा हूँ। अरे मोटू, एक नंबर आदमी है ये, एक नंबर, ये पूरा ना मस्त आदमी है। देखो अब कोनी ना थोड़ी कंसीव है, तो इसको ज्यादा हिलना डुलना नहीं है, मतलब इसको ज्यादा खेलने वाली एक्टिविटीज नहीं करानी है। सो इसको खाना खिलाते हैं और इसको रेस्ट करने के लिए कहते हैं सिर्फ, है ना कोनी में बेटू। और इसको मसाज होता है इसका, ये 30 मिनट सुबह 30 मिनट शाम को, मतलब ऑलमोस्ट एक घंटा इसका मसाज करता हूँ मैं। सो दोस्तों खाना खा लिया मैंने भी, अरे देखो कोनी का कितना बड़ा बिस्तर है, कोनी मेरे पास ही सोती है। इधर अगर इसको गद्दे पे सो रहे तो गद्दे सोच, नहीं नीचे इसके नीचे मैंने शॉल बिछाया हुआ है दरी, और उसके ऊपर ये अपना इसका कंबल है। तो कोनी ऐसे सोती है हमारे मेरे पास, मैं यहाँ सोता हूँ, कोनी यहाँ सोती है। और अपना फिश रूम दिखा देता हूँ, एक्वेरियम। हाँ भाई पैरेट, ठीक है तू? ठीक हो तुम सारे? ये कूदने के लिए तैयार रहती है। सो गाइज, आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। यहाँ तक व्लॉग देख लिया तो लाइक करना तो मस्ट है यार। और वहां लेके गए थे मम्मी और फॉर का रिएक्शन कैसा लगा आपको? स्पेस सही है ना वहां पे, पार्क बनेगा। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम ना मैं 15 दिन के अंदर अंदर सब कंप्लीट करा दूंगा मैं। चलो इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। ओके बाय बाय।